महाराष्ट्र के दो नगर निगमों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है, जलगांव की स्थिति लगभग साफ हो गई है। जलगांव में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जश्न जलगांव में शुरू हो गया है। जलवा बीजेपी का जलगांव में देखने के लिए मिल रहा है। अब तक जलगांव में शिवसेना का राज था और बीजेपी की जीत अहम इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है और उसी के बीच वोटिंग हुई थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा है। वहीं सांगली में एनसीपी कांग्रेस आगे हैं, लेकिन वोटों की गिनती अभी धीमी है सांगली में। तो पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली में 78 सीटों और उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव नगर निगम में 75 सीटों पर वोटिंग 1 अगस्त को हुई थी और आज गिनती का काम जो फिलहाल जारी है। जलगांव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। जलगांव में बीजेपी का जलवा और जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं। हम सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, जिस तरीके से जलगांव में बीजेपी जीतती हुई लगभग तस्वीर साफ हो रही है, तो कुल मिलाकर जो मराठा आरक्षण की वजह से माना जा रहा था कि कहीं पार्टी के लिए दिक्कत ना हो, तो उसका असर नहीं नजर आ रहा, राहत की खबर बीजेपी के लिए है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनाकर जलगांव में जो है चुनाव लड़ा था। जिन जिन पार्टियों में से या जिन लोगों का स्ट्रांग होल्ड अपने अपने मतदार संघ में है उनको उन्होंने टिकट दिया था और इसीलिए ये बंपर जीत है। गिरीश महाजन जो मंत्री हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से रणनीति तय की गई थी, खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए थे और जलगांव जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का गढ़ रहा है। जैसे एकनाथ खड़से यहाँ के थे, गिरीश महाजन बाद में वहां टेक ओवर कर गए थे, तो जिन जिन लोगों की जीतने की क्षमता है उनको टिकट दी गई थी और इसलिए यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी जो दोनों सहयोगी पार्टी हैं उन दोनों के बीच टक्कर थी। लेकिन यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है शिवसेना का, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस था लेकिन इस बार बंपर जीत बीजेपी के हाथ लगी है। जैसा मैंने बताया कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको चुना गया था, बशर्ते वो किसी भी पार्टी के हैं या किस तरह वो बीजेपी के हैं या नहीं, ये नहीं देखा गया था, इसीलिए बंपर जीत मिली है। वहीं जलगांव में 57 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, सिर्फ 11 सीटों पर शिवसेना है और बाकी अन्य जो है वो कुछ सीटों पर है। उसी तरह सांगली में भी बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी लेकिन वहां कांग्रेस और एनसीपी का स्ट्रांग होल्ड है, खास तौर पर एनसीपी का, और इसीलिए एनसीपी और वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। मिला जुला नतीजा यहां पर है। बीजेपी को उम्मीद थी कि सांगली में भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा लेकिन जो मराठा आरक्षण का जो मार है वो मराठवाड़ा और इन क्षेत्रों में थी ज्यादा थी और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी को वो नतीजे नहीं मिले। लेकिन जलगांव में जीत के बाद बीजेपी ने एक मैसेज जरूर दे दिया है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो नाराजगी सरकार के प्रति है वो सिर्फ एक समाज या सड़क पर दिखाई दे रही है, अगर हम आम लोगों में वो नहीं है। ठीक है, लेकिन गणेश सवाल ये कि जलगांव में अब हार की फांस से क्या शिवसेना और बीजेपी में फासला और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इससे पहले भी शिवसेना लगातार ये कोशिश करती आ रही है कि जहां जहां बीजेपी और उनके बीच में गठबंधन लड़के चुनाव लड़ा गया था, जहां पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था वहां वो बीजेपी से बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन यहां पर भी वो नहीं हो पाया। जलगांव में बीजेपी की तरफ से उन लोगों को टिकट दिया गया था जो विनिंग कैंडिडेट्स थे और शिवसेना की भी रणनीति यही थी लेकिन शिवसेना के हाथ उस तरह कैंडिडेट नहीं लगे थे, इसीलिए इस जीत के बाद में जो मतभेद या जो दरार है वो और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हार कम हुई, शिवसेना को जलगांव में देखना पड़ा है और जलगांव में बीजेपी ने अपना जलवा दिखा दिया है। शिवसेना से यहां पर सत्ता हासिल कर ली है बीजेपी ने। सांगली में एनसीपी कांग्रेस आगे चल रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।